और सांसद रामवीर सिंह भिदौड़ी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी उनकी जो है देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही है, उनको इस पर माफी मांगनी चाहिए और मोदी जी के लिए रोज उल्टा सीधा बोलते। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने रामवीर सिंह भिदौड़ी से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। को लेकर जहां राहुल गांधी ने बयान दिया था हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, रामवीर सिंह भिदौड़ी सर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं सर क्या है मामला? अरे भाई, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर पिछड़ों का एससी एसटी समाज का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। पिछड़ों को एससी एसटी समाज के लोगों को पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है उसकी समाप्त करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। आज ओबीसी मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता राहुल गांधी का त्यागपत्र मांगने के लिए, राहुल गांधी का पुतला जलाने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर एकत्रित हुए हैं और हमारे आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर जिस तरीके से सिख धर्म को लेकर बयान दिया था उन्होंने, जी सिख धर्म को लेकर बयान दिया था विदेश में जाकर, नहीं हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, इस तरह की घटिया हरकतें उनको नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस दिल्ली।